हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी ड्राइंग है उसको किस तरह से पढ़ा जाता है, यानी कि उसको किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ये बुक है जो कि ड्राइंग की बुक है। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं जितने भी है, मोटर के कंट्रोल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल का कोई भी सर्किट डायग्राम, इसके अंदर सब कुछ है फ्रेंड्स, पूरी ड्राइंग की बुक है ये, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्राइंग पढ़ने से पहले हमारे पास हमें को क्या क्या पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ये ड्राइंग सर्किट बना रखा है इन्होंने, इस ड्राइंग सर्किट को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। तो इन्होंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे दिखा रखा है। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई भी समझ में ना आया हो तो उसको समझ लेना। जैसे कि फ्रेंड्स एक ये सिंपल सा एक DOL स्टार्टर, यानी कि स्टार्टर आते हैं जैसे स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड ड्यूअल स्टार्टर, तो ये है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसलिए इन्होंने एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का एक डायग्राम बना रखा है। ये है कंट्रोल सर्किट और ये पावर सर्किट। इसको हम पढ़ने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे कि ये लगा रखा है हमें पता नहीं है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मतलब इनको अगर ये चीज़ पता होगी तभी हम सर्किट डायग्राम को पढ़ सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस चीज़ का पता लग जाएगा ना तो आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी सर्किट डायग्राम आसानी से बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा शुरू होता है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट से। तो इनको इन्होंने शुरू में तो इनकी डेफिनेशंस वगैरह दी हुई है कि क्या क्या कौन सा चीज़ क्या क्या होता है। उसके बाद इन्होंने ड्राइंग बनाने से पहले कुछ ये सिंबल्स दिए हैं, यानी कि इनका सिंबल्स का पता होगा ना तो आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी सर्किट डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आज आपको ये 35 सिंबल्स हैं इनके बारे में पढ़ के आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इन सिंबल की सहायता से ड्राइंग को पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये सिंबल हैं और कैसे कैसे ये दिखते हैं इनके नाम के अनुसार। तो सबसे पहला है जो कि पुश बटन, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, NO NC बोल सकते हैं इनको। जो NO है वो फ्रेंड्स इस तरह से दिखेगा, इसका ये एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर, और ये जो बीच का पॉइंट होगा वो पुश बटन है जो कि ओपन है। ये आप देख सकते हैं ये ओपन सर्किट है ये, और नीचे लिखा हुआ है NC मतलब ये NC है, ये एक ऊपर है एक नीचे टर्मिनल है, और जिसका साथ में जो टर्मिनल है पुश बटन का टर्मिनल है लिंक है वो क्लोज है, तो ये NC हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है पुश बटन विद 1 NO एंड 1 NC कॉन्टैक्ट ऑपरेटेड टुगेदर 1 NO प्लस 1 NC, यानी कि एक स्विच होगा पुश बटन, उसके अंदर एक NC होगा और एक NO होगा, ठीक है। जैसे कि ये है, ये इतना स्विच है एक, यहाँ पे हमने पुश किया तो एक तो ये हमारा NO है, ये वाला टर्मिनल देख सकते हैं आप, ये NO दिखाई दे रहा है, और इधर वाला टर्मिनल फ्रेंड्स वो NC है, यानी कि एक पुश बटन के अंदर एक NO होगा एक NC होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा दिखा रखा है, ये इधर वाला NC है इधर वाला NO है, तो ये हो गया एक पुश बटन के साथ दो, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, स्केल गेज मोटर, जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है नॉर्मली, उसका सिंबल हम इस तरह से यूज करते हैं, मतलब ये उसका बनाते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ये एक राउंड सर्कल होगा उसके अंदर M और AC का सिंबल और थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का सिंबल होगा इस तरह से, ये स्लिप रिंग का होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड थ्री पोल कॉन्टैक्टर विद पावर कॉन्टैक्ट्स और मेन कॉन्टैक्ट्स ओनली। फ्रेंड्स ये सिंबल किस चीज़ का है, जो हमारा पावर कॉन्टैक्टर होता है, पावर कॉन्टैक्टर मतलब जिसके अंदर RYB सप्लाई जाती है और उसके अंदर सिर्फ पावर होते हैं, पावर कॉन्टैक्ट होते हैं तीन पोल के, तो उसका सिंबल ये होगा यहाँ से, जैसे कि तीन फेज हो गए और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। और ये इसका कॉइल का सिंबल हो गया, यहाँ से इसको सप्लाई मिलेगी तो ये ऑपरेट हो जाएंगे, तो यहाँ से सप्लाई फ्लो होने लग जाएगी, तो ये हमारा एक कॉन्टैक्टर का सिंबल है। अभी आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कंट्रोल कॉन्टैक्टर विद मेन एंड एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। एक कॉन्टैक्टर है फ्रेंड्स, जैसे कि ऊपर वाला तो कॉन्टैक्टर था, इसके अंदर सिर्फ पावर सप्लाई के कॉन्टैक्ट थे, इसी इन्होंने क्या बोला एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट साथ में होना चाहिए। यहाँ से लेके ये तो एक पावर कॉन्टैक्टर हो गया, और ये एक लगा दिया इन्होंने एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे NO है आपके पास, कॉन्टैक्टर के अंदर NC भी मिल सकता है, NO भी मिल सकता है, या फिर दो NC दो NO भी मिल सकते हैं, तो इन्होंने दिखाने के लिए बेसिकली इस तरह से दिखा दिया ये। तो ये सिंबल है एक साथ में एक्सिलरी कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वाइल ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कॉन्टैक्टर और रिले कॉइल।
जो रिले कॉइल फ्रेंड्स जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर के अंदर हम सप्लाई देखें 220 वोल्टेज या 415 या जितने भी उसकी कॉइल ऑपरेटेड है, उसकी कॉइल का सिंबल कैसे होगा? उसका सिंबल फ्रेंड्स इस तरह से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कॉइल का है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी उसका कॉइल का सिंबल इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है एक्सिलरी कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन एंड मेक कॉन्टैक्ट एनओ, यानी कि कहने का मतलब है इनका नॉर्मली ओपन का कॉन्टैक्ट का सिंबल कैसा होगा? जब नॉर्मल पोजीशन पे होगा तो ये एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक ये इसका कॉन्टैक्ट है जो ओपन साइड में रखा हुआ है आपका। इस ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दोनों के दोनों ये एनओ है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है नाइन्थ नंबर नॉर्मली क्लोज आता है फ्रेंड्स, ठीक है। नॉर्मली क्लोज में क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्लोज होंगे, ठीक है, जैसे ये एनओ है और ये एनसी होंगे। अभी आता है टू वे कॉन्टैक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, तीन टर्मिनल होते हैं जिसके अंदर एक कॉमन होता है और कॉमन के साथ एक एनसी होता है और एक एनओ होता है, जैसे कि ये कॉमन हो गया और इसके साथ ये एनसी हो गया और ये इसके साथ ये एनओ हो गया, तो टू वे स्विच हो गया, ये टू वे कॉन्टैक्ट हो गया। अभी फ्रेंड्स बारी आती है नेक्स्ट लिमिट स्विच कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज, जो लिमिट स्विच होता है उसका नॉर्मली क्लोज इस तरह से सिंबल होता है, ये लिमिट स्विच का लीवर हो जाएगा इस साइड और ये इसका कॉन्टैक्ट हो जाएगा एनसी कॉन्टैक्ट। तो ये थे हमारे 11। अभी नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स 12 नंबर, उसके अंदर क्या आता है लिमिट स्विच नॉर्मली ओपन, हमने अभी क्लोज वाला देखा, अभी नॉर्मली ओपन में क्या होगा, ये दो पॉइंट ओपन होंगे कॉन्टैक्ट के साथ, ठीक है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है एनओ एनसी, यानी कि लिमिट स्विच एनओ नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज हमने अलग अलग पढ़ लिए, अभी हमारा एक साथ कैसे होगा, नॉर्मली एनओ और एनसी लिमिट स्विच ऑपरेटेड टुगेदर, यानी कि एक साथ कैसे ऑपरेट होंगे, इसके साथ क्या होगा, एक तो एनओ होगा और एक एनसी होगा, इधर का ये पॉइंट एनओ है और ये इधर का एनसी है, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से इसका सिंबल बनेगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है हमारा 14 नंबर सिग्नल लैंप, यानी कि इंडिकेशन लैंप भी बोल सकते हैं हम इसको, हम इंडिकेशन करते हैं कि ऑन है या ऑफ है या ट्रिप है कोई स्टार्टर वगैरह, तो उसको हम इस तरह से इंडिकेटर जो लैंप लगते हैं हमारा उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्टर विद थर्मल ओवरलोड रिले इन ऑल थ्री पोल्स, जो हमारी कॉन्टैक्टर के साथ ओवरलोड रिले लगती है उसका सिंबल किस तरह से होता है, इन्होंने थर्मल कॉन्टैक्टर के साथ बोला है, तो कॉन्टैक्टर हमारा इतना इतना बन जाता है, आपने पीछे भी देखा था कॉन्टैक्टर का सिंबल ये था, और ओवरलोड रिले का फ्रेंड्स ये जो नीचे है इस तरह से ये ओवरलोड हो गया और इन्होंने विद बोला है, तो कॉन्टैक्टर के साथ ये विद इसके साथ ओवरलोड रिले लग गई है, तो ये इस तरह से इसका सिंबल बन जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्टर विद ओवरलोड रिले। अभी नेक्स्ट आता है रिले विद टाइम डिले, जो हमारा टाइम डिले होती है, टाइम डिले होता है, टाइमर होता है, उसका सिंबल किस तरह से बनेगा, उसका सिंबल फ्रेंड्स एक तो क्वाइल होती है जो टाइमर की, उसका सिंबल इस तरह से बनेगा, ये क्वाइल का बन के बाद ये बीच में ब्लैक ब्लैक इस तरह से होता है और इसका कॉन्टैक्ट बन जाएगा एक एनओ, ठीक है। अभी आते हैं फ्रेंड्स टाइम डिले रिले क्वाइल, अभी मैंने बताया जो टाइम डिले रिले क्वाइल का होता है, क्वाइल का सिंबल इस तरह से बनता है, अभी यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने इस तरह से बना जाएगा ये। अभी नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 18 नंबर टाइम डिले रिले कॉन्टैक्ट और ऑफ TDR कॉन्टैक्ट्स, उसका फ्रेंड्स इस तरह से होता है, ठीक है, टाइम डिले रिले का एनओ पे, और ऑन TDR कॉन्टैक्ट का क्या होगा, एनसी होगा, ठीक है। थर्मल ओवरलोड रिले का फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पहले भी आपको दिखाया था, ये इतना बड़ा है जो ये थर्मल ओवरलोड रिले का है, इन्होंने दोबारा से यहाँ पे अलग से दिखा दिया ये, ठीक है, ये 1, 2, 3 तीन थर्मल स्ट्रिप होती है इसके अंदर और एक इसका ये कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, तो ये थर्मल ओवरलोड रिले का पावर का सर्किट हो गया ये, ठीक है। और थर्मल ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट, जैसे कि थर्मल ओवरलोड रिले हम कंट्रोल डायग्राम के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट, उसका सिंबल इस तरह से होगा, एनसी पॉइंट होगा और इसका ये थर्मल स्ट्रिप का इंडिकेशन दिया जाएगा, उससे पता लग जाएगा कि हाँ भी ये थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स रजिस्टर एक इस तरह से हम डिनोट करते हैं, एक अलग प्रकार से भी होता है, इसको इस तरह से करके इस तरह से हो जाता है, वो भी रजिस्टर होता है। और एक वेरिएबल रजिस्टर, जिसकी हम वेरिएशन पोटेंशियोमीटर भी बोल सकते हैं उसको, हम वेरी कम ज़्यादा भी उसकी रेशियो कर जो रेटिंग है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका सिंबल इस तरह से होता है, बीच से एरो निकल जाता है, ठीक है। तो ये 22 हो गए। अभी नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स
कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल फ्रेंड्स इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं ये एक इस हॉरिजॉन्टल में होगा और ऊपर नीचे वर्टिकल में कैपेसिटर का सिंबल है। उसके बाद फ्रेंड्स फ्यूज, फ्यूज का हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी बारी आती है स्विच की, स्विच को हम इस तरह से डिनोट करेंगे जो कि NO स्विच होता है, नॉर्मली ओपन होता है। अभी आते हैं स्विच फ्यूज यूनिट, यानी कि एक स्विच भी है और फ्यूज यूनिट भी है। स्विच तो हमारा ये हो गया, उसके अंदर फ्यूज लगा हुआ है, जैसे कि ये स्विच हो गया, उसके अंदर हमारा एक ये फ्यूज लग गया, जैसे ये फ्यूज है तो ये यहाँ पे फ्यूज लग गया, ठीक है। अभी बात नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स प्रेशर स्विच, प्रेशर स्विच ये होता है जैसे कि एक प्रेशर स्विच लगा दिया यहाँ पे और उसका एक कॉन्टैक्ट ले लिया हमने, NO ले लिया या फिर NC भी ले सकते हैं NO, वो अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। प्रेशर स्विच लग जाता है, एक प्रेशर स्विच इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उसके साथ एक कॉन्टैक्ट दिया जाता है, जैसे कि लिमिट स्विच के साथ कॉन्टैक्ट दिया जाता है, लेवल स्विच के साथ भी कॉन्टैक्ट दिया जाता है, तो ये ऐसे ही प्रेशर स्विच के साथ एक कॉन्टैक्ट दिया हुआ है NO, ठीक है। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट, थर्मोस्टेट यानी एक टेम्परेचर का स्विच है, एक जैसे कि हमारा कोई टेम्परेचर हमने सेटिंग करके छोड़ दिया कम या ज़्यादा, वहाँ तक आते ही ऑपरेट हो जाएगा, तो उसका हम यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा दिया, थर्मोस्टेट का एक उसके साथ हमने एक कॉन्टैक्ट लगा दिया, यहाँ से हम कंट्रोल सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स फ्लो स्विच, जैसे कि एक पाइप है, पाइप के अंदर से पानी जा रहा है या फिर ऑयल जा रहा है, जैसे ही वो कम ज़्यादा होगा तो ये फ्लो स्विच है वो ऑपरेट हो जाएगा और NC बन जाएगा, जैसे ही वैसे ही कंट्रोल सर्किट उसको ऑपरेट कर देगा, तो इसका ये सिंबल इस तरह से बनेगा, ठीक है। सिलेक्टर स्विच यानी कि टू पोजिशनर, एक सिलेक्टर स्विच है हमारे पास और उसकी दो पोजिशन हमें यूज करनी है, एक ये सिलेक्टर स्विच है ये कॉमन हो गया और एक पोजिशन ये होगी और एक ये पोजिशन होगी, हमने एक ही पोजीशन को एक टाइम पे यूज करनी है, जैसे कि ये कॉमन हो गया एक ये NC हो गया, इसको हम इधर सेलेक्ट कर लेंगे घुमा के तो इधर हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्टर स्विच तीन पोजीशन, सिलेक्टर स्विच के साथ तीन पोजीशन, जैसे कि यहाँ पे दो थी यहाँ पे एक दो तीन हो जाएगी, इस तरह से इसका सिंबल थ्री वाला बन जाएगा। और फिर आता है नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर, इसको हम MCB भी बोल सकते हैं, सर्किट ब्रेकर अलग अलग प्रकार के होते हैं सर्किट ब्रेकर फ्रेंड्स। सर्किट ब्रेकर का सिंबल इस तरह से होता है, एक इधर हो गया एक इधर हो गया और ये हमेशा ओपन में ही दिखाया जाता है, ठीक है, ये नॉर्मली ओपन है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है वाइंडिंग, वाइंडिंग इस तरह से जो कि मोटर के अंदर या फिर किसी के अंदर भी हम जो इंडक्शन होती है उसके अंदर हम यूज इस तरह से दिखाते हैं। फिर बारी आती है फ्रेंड्स इंडक्टर, इंडक्टर को हम रजिस्टर, जैसे रजिस्टर होता है उसके अंदर L लिखते हैं, इंडक्टर का एक अलग सिंबल भी होता है, ऐसे ऐसे करके घुमा के इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है सोलेनोइड कॉइल, सोलेनोइड कॉइल का सिंबल इस तरह से दिया जाता है। फ्रेंड्स अभी ये सिंबल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये डायग्राम है जो किस तरह से इन्होंने बनाए हैं। जैसे कि ये डायग्राम है, अभी ये ड्यूअल स्टार्टर है, ड्यूअल स्टार्टर के साथ ये पावर है और इसके अंदर क्या है, पावर डायग्राम भी है और कंट्रोल डायग्राम भी है, ये कंट्रोल है और ये पावर है, ठीक है, इसको इन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो ये किस तरह से इनको पढ़ते हैं और किस तरह से इसको बनाया जाता है नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे यही। अगर आपने समझना है तो ये वीडियो पूरी देखा करिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये अलग वीडियो बना दी इन्होंने, सीक्वेंस में बना दी, इंटरलॉकिंग में बना दी, ठीक है, ये बहुत सारे ड्राइंग्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई सवाल कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट जरूर करना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स, इससे हमारा क्या होता है मोटिवेशन मिलती है कि हमारी वीडियो सबको काम आ रही है, यानी कि सबके बेनिफिट के लिए हेल्प हो रही है सबकी, तो हमें उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल YK इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।